Hello students, welcome all of you in compulsory computer online education classes. आज की क्लास का हमारा टॉपिक है working with MS Excel 2007. हम MS Excel में बेसिक फंक्शन सीखेंगे आज की क्लास में. सबसे पहले move around a worksheet. एक वर्कशीट में हम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव कर सकते हैं. By using the arrow keys, you can move around your worksheet. You can use the down arrow key to move downward one cell at a time. You can use the up arrow key to move upward one cell at a time. आप जो है down arrow key से नीचे की तरफ move कर सकते हैं और upward arrow key से जो है ऊपर की तरफ सेल में मूव कर सकते हैं. यू कैन यूज द टैब की टू मूव अक्रॉस द पेज टू द राइट वन सेल एट ए टाइम. टैब की से आप जो है वर्कशीट में राइट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं. यू कैन होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द टैब की टू मूव द लेफ्ट वन सेल एट ए टाइम. अगर आप शिफ्ट की को होल्ड करते हैं उसके साथ टैब की प्रेस करते हैं तो आप लेफ्ट साइड की तरफ सेल में मूव कर सकते हैं. You can use the right and left arrow key to move right or left one cell at a time. Right and left arrow key से आप left और right की तरफ एक cell में move कर सकते हैं. The page up and page down keys move up and down one page at a time. अगर आप page up और page down keys को press करते हैं तो आप पूरे page पे एक time में पहुंच जाते हैं. पूरे page को cover कर सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ. If you hold down the control key and then press the home key, you move to beginning of the worksheet. अगर आप control key press करते हो और फिर home key को press करते हो, control key को hold करके आप होम की को प्रेस करते हो तो आप जो है वर्कशीट के स्टार्टिंग में पहुंच जाते हो. तो मैं अभी इसका प्रैक्टिकल आपको साथ साथ करके दिखाती हूँ. अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ कि हम अपनी वर्कशीट में एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव कर सकते हैं. सबसे पहले हम डाउन एरो की और अप एरो की को यूज करके देखते हैं. ये देखिए, जैसे डाउन एरो की से जो है हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और अगर मैं अप एरो की को यूज कर रही हूँ इसे जो है प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए ऊपर की तरफ सेल में मूव कर रहे हैं. दूसरा ऑप्शन है टैब की हेल्प से. अगर मैं टैब की प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए वर्कशीट में मैं राइट साइड की तरफ मूव कर रही हूँ. इसी तरह मैं अगर शिफ्ट की को होल्ड करती हूँ और साथ में टैब की प्रेस करती हूँ तो ये वर्कशीट में मैं लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर सकती हूँ. इसके बाद जो है राइट एंड लेफ्ट एरो कीज को भी हम यूज करके वर्कशीट में आसानी से लेफ्ट और राइट साइड में मूव कर सकते हैं. ये देखिए राइट एरो की को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, राइट साइड की तरफ मूव कर रही हूँ वर्कशीट में और लेफ्ट एरो की के हेल्प से लेफ्ट साइड की तरफ वर्कशीट में मैं मूव कर रही हूँ. फिर जो है एक ऑप्शन बताया था पेज अप एंड पेज डाउन की हेल्प से भी हम जो है पूरे पेज को पेज पे मूव कर सकते हैं. जैसे ये देखिए मैं पेज डाउन की को जब प्रेस करती हूँ तो नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ. इसी तरह ही मैं पेज अप की को प्रेस करती हूँ जब तो फिर से पिछले पेज पे चली जाती हूँ. एक जो है लास्ट ऑप्शन है इसमें, अगर हम कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और फिर होम की पे प्रेस करते हैं तो क्या है, कंट्रोल की को होल्ड करके और होम की को प्रेस करेंगे तो हम जो है बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट पे स्टार्टिंग पे आ जाएंगे. जैसे मैंने अब ये सेल सेलेक्ट की हुई है और मैं फर्स्ट सेल में आना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल की को होल्ड करूँगी और उसके साथ जो है होम की प्रेस करूँगी तो ये देखिए स्टार्टिंग में आ जाऊँगी वर्कशीट के. तो इस तरह से ये ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम जो है आसानी से वर्कशीट में एक सेल से दूसरी सेल में मूव कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि हम एक सेल से दूसरे सेल में क्विकली कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि एरो की से टैब की से तो सेल बाय सेल हम मूव करते हैं. एक सेल से दूसरे सेल में हम क्विकली कैसे मूव कर सकते हैं तो द फॉलोइंग आर द शॉर्टकट फॉर मूविंग क्विकली फ्रॉम वन सेल इन ए वर्कशीट टू ए सेल इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्कशीट. पहला शॉर्टकट है, सबसे पहले हम F5 की को प्रेस करेंगे. जैसे ही हम F5 की को प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. उसमें हम रेफरेंस फील्ड में जिस भी सेल में हमें जाना है, जिस भी सेल में हमें मूव करना है उसका एड्रेस डालेंगे. जैसे यहाँ पे टाइप J4 इन द रेफरेंस फील्ड, देन प्रेस एंटर. उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है, एक्सेल मूव टू सेल J4 और हम J4 सेल में मूव कर जाएंगे. दूसरा ऑप्शन है गो टू कंट्रोल G. हमें कंट्रोल G प्रेस करना है. होल्ड डाउन द कंट्रोल व्हाइल यू प्रेसिंग G. हमें जो है कंट्रोल की को होल्ड करना है जब हम जी को प्रेस कर रहे हैं. फिर उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा,
उसी तरह रेफरेंस फील्ड में हमें उस सेल का एड्रेस डालना है जिस सेल पे हमें मूव करना है, जैसे टाइप C4 इन द रेफरेंस फील्ड, देन प्रेस एंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल मूव्स टू सेल C4, हम सेल C4 में मूव कर जाएंगे। तीसरा शॉर्टकट है गो टू द नेम बॉक्स। हमें नेम बॉक्स में जो है टाइप करना है सेल का एड्रेस। जिस भी सेल का एड्रेस हम नेम बॉक्स में टाइप करेंगे तो हम जो है क्विकली उस सेल में मूव कर जाएंगे। यू कैन आल्सो यूज द नेम बॉक्स टू गो टू द स्पेसिफिक सेल। जस्ट टाइप टू सेल यू वांट टू गो टू इन द नेम बॉक्स एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है और हम उस सेल में क्विकली मूव कर जाएंगे। जैसे टाइप B10 इन द नेम बॉक्स, हम नेम बॉक्स में जैसे B10 जो है टाइप करेंगे, उसके बाद प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करना है, एक्सेल मूव टू सेल B10, हम जो है B10 में आसानी से मूव कर जाएंगे। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम एक सेल से दूसरी सेल में कैसे क्विकली मूव कर सकते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, F5 की को आपको प्रेस करना है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं F5 की पे प्रेस करती हूँ तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें टाइप करना है सेल का एड्रेस जिसमें हमें मूव करना है। तो यहाँ मैं आपको J4 सेल का एड्रेस यहाँ पे देके दिखाती हूँ। ये देखिए J4, और एंटर करते ही मैं J4 सेल में मूव कर जाऊँगी। फिर दूसरा शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, कंट्रोल की को आपने होल्ड करना है और G प्रेस करना है, कंट्रोल G। तो कंट्रोल को होल्ड करके मैं ये देखिए जी पे प्रेस करती हूँ तो फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ C4 और देन एंटर। तो ये देखिए हम C4 सेल में मूव कर जाएंगे। तीसरा शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि हम जो है नेम बॉक्स में अगर टाइप करते हैं, नेम बॉक्स में भी टाइप करके हम डायरेक्टली जो है उस सेल में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम बॉक्स में B10 टाइप करती हूँ और फिर मैं एंटर करती हूँ। तो ये देखिए हम B10 पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी शॉर्टकट को यूज़ करके एक सेल से दूसरी सेल में क्विकली मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने काफ़ी सारी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करना है तो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू परफॉर्म ए फंक्शन ऑन ए ग्रुप ऑफ सेल्स, you must first select those cell by highlighted them. The exercise that follow teach you how to select. हम उसे कैसे select कर सकते हैं, तो उसके लिए shortcut है select cell F8. F8 की को हमें press करना है to select cell A1 to E7. तो हम A1 से E7 तक select करना चाहते हैं, go to cell A1, हमें A1 पे जाना है, press the F8 की, उसके बाद जो है हमें F8 की को प्रेस करना है। दिस एंकर द कर्सर, इससे हमारा कर्सर जो है एंकर हो जाएगा। नोट दैट एक्सटेंड सेलेक्शन अपीयर ऑन द स्टेटस बार इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, यू आर इन द एक्सटेंड मोड। हम एक्सटेंड मोड में आ जाएंगे, क्लिक इन द सेल E10, उसके बाद हमें E10 में क्लिक करना है, एक्सेल हाईलाइट सेल EA1 टू E10। तो उसके बाद जो है A1 से E10 तक सेल जो है सारी सेलेक्ट हो जाएगी। प्रेस एस्केप एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्कशीट टू क्लियर द हाइलाइटिंग। अगर हमें उसे ख़त्म करना है तो हमें एस्केप की पे प्रेस करना है और उसके बाद जो है या कहीं भी जो है वर्कशीट में अगर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो हाइलाइटिंग है सेलेक्टेड सेल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर हमें ग्रुप ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, A1 सेल में क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें F8 की को प्रेस करना होगा। F8 की को प्रेस करने के बाद जिस भी सेल तक हमें सेलेक्ट करनी है रेंज, उस सेल के एड्रेस में हमें जो है क्लिक करना है। जैसे मान लो मैं E10 तक इसे सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं E10 पे इसे ये देखिए क्लिक करूँगी तो वो रेंज जो है सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है F8 की हेल्प से आसानी से जो है ग्रुप ऑफ सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल को सेलेक्ट करने का मेथड F8 के अलावा जो है एक अल्टरनेट मेथड भी है, आप जो है ड्रैग करके भी सेल को जो है काफ़ी सारे सेल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। गो टू द सेल A1, सबसे पहले A1 पे जाइए, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, उसके बाद आपको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है। व्हाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन यूज द माउस टू मूव फ्रॉम सेल A1 टू C5। अगर हमें मान लो A1 से C5 तक जो है सेलेक्ट करना है तो उस तक हमें जो है C5 तक माउस को होल्ड करके लेके जाना है, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, उसके बाद हमें उस माउस बटन को रिलीज करना है।
होल्ड डाउन द कंट्रोल की अंटिल स्टेप 9। स्टेप 9 तक हमें जो है होल्ड करके रखना है कंट्रोल की को। यूजिंग द माउस प्लेस द कर्सर इन सेल D7, फिर उसके बाद जो है हम D7 कर्सर ले जाए, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, फिर से हमें जो है लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है। व्हाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन मूव टू सेल F10, फिर उसके बाद जो है हमें F10 तक से होल्ड करके F10 में रिलीज कर देना है लेफ्ट माउस बटन को, रिलीज द कंट्रोल की, और उसके बाद कंट्रोल की को रिलीज कर देना है। इस तरह से सेल A1 से C5 और सेल D7 से F10 जो है हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। प्रेस एस्केप एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्कशीट टू रिमूव द हाइलाइटिंग। अगर हमें इस हाइलाइटिंग को रिमूव करना है तो एस्केप की को प्रेस करके या वर्कशीट में हम कहीं भी क्लिक करके इस हाइलाइटिंग को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह एक मेथड और है कि आप जो है माउस के बटन से भी आसानी से डिफरेंट जो है सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ। किस तरह की आप जैसे A1 सेल पे जाइए, उसके बाद जो है इस तरह से प्लस का साइन बनेगा और लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके इस एरिया को आप आसानी से ड्रैग कर सकते हैं जितने भी जो है सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए इस तरह से जैसे ये एरिया सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद आपको दूसरा जैसे मान लो मुझे यहाँ तक करना है, एक और जो है ग्रुप सेल्स का सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करूँगी और जो है जहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है मैं वहाँ पर ले जाऊँगी। और ये देखिए ये इस तरह से दो एरिया सेलेक्ट हो गए, एक तो ये वाला एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, एक जो है ये वाला एरिया सेल का सेलेक्ट किया है। अगर आपको ये जैसे ये नहीं चाहिए, आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एस्केप की को प्रेस करके या कहीं भी वर्कशीट में आप जो है क्लिक करके इसे आसानी से जो सेलेक्टेड सेल है इसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है F8 की हेल्प से भी या फिर जो है माउस के बटन को आप जो है होल्ड करके उसे ड्रैग करके आसानी से ग्रुप ऑफ सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सेल में टेक्स्ट को एंटर कैसे कर सकते हैं। प्लेस द कर्सर इन सेल A1, टाइप जोहन जॉर्डन, डू नॉट प्रेस एंटर ड्यूरिंग एंटरिंग टेक्स्ट। जैसे ही आप किसी सेल में टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो उस सेल में जाइए आप पहले, वहाँ पे जैसे ये जोहन जॉर्डन या कोई भी वर्ड टाइप कीजिए। उसके बाद जो है जब आप टाइप कर रहे होते हो तो बीच में एंटर प्रेस नहीं करना है। इसी तरह ही आप एडिट भी कर सकते हो सेल को। आफ्टर यू एंटर डाटा इनटू ए सेल यू कैन एडिट द डाटा बाय प्रेसिंग F2 व्हाइल यू आर इन द सेल यू विश टू एडिट। तो अगर आपको उसी सेल में एडिट करना है तो आप F2 की को प्रेस कीजिए और चेंज जोहन टू जॉन्स, आप जो है उसमें कोई और टेक्स्ट भी जो है बैकस्पेस की से उसे जो है क्लियर कीजिए और कोई टेक्स्ट को आप आसानी से एंटर कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो मूव टू सेल A1, A1 में जाइए, प्रेस F2, F2 की को प्रेस करना है। यूज़ द एरो एंड बैक स्पेस कीज टू चेंज जोहन टू जॉन्स। बैक स्पेस कीज या एरो की हेल्प से आपको जोहन को जो है क्लियर करना है, उसकी जगह आप जो है नया टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे जॉन्स लिख सकते हैं, देन प्रेस एंटर, तो आपका टेक्स्ट जो है जॉन से जॉन्स में एडिट हो जाएगा। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मैं सेल A1 में टाइप करती हूँ जोहन जॉर्डन, मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया है, अब हमें इसमें एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, F2 की को प्रेस करेंगे और उसके बाद एरो की से या बैकस्पेस की से हम इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं और इसकी जगह कुछ भी हमें टाइप करना है। जैसे मैं जॉन्स करके दिखाती हूँ, इस तरह से हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट को आसानी से एडिट कर सकते हैं। एक और तरीका भी है टेक्स्ट को एडिट करने का, हम जो है फॉर्मूला बार की हेल्प से भी इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एडिट द सेल बाई यूजिंग द फॉर्मूला बार, यू चेंज जॉन्स टू जोकर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज। मूव द कर्सर टू सेल A1, A1 में हमें कर्सर ले जाना है जहाँ से हमें टेक्स्ट को एडिट करना है, क्लिक इन द फॉर्मूला और एंट्रीज एरिया ऑफ द फॉर्मूला बार एंड चेंज जॉन्स टू जोकर। हमें जो है फॉर्मूला बार में जाना है जहाँ पे एंट्री एरिया होता है, जहाँ पे हमें एंट्री करनी है वहाँ पे हमें जो है नया नाम लिखना है, जॉन्स की जगह जोकर लिखना है, देन प्रेस एंटर, तो उससे जो है डाटा सेल में एडिट हो जाएगा। ये देखिए जैसे जॉन्स को हमें जोकर में एडिट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाऊँगी और यहाँ में जॉन्स की जगह मैं जोकर लिख दूंगी, जोकर,
देन एंटर। तो ये देखिए फर्स्ट सेल में टेक्स्ट जो है अपने आप एडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है F2 की हेल्प से एरो की या बैक स्पेस की से भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, या फिर हम जो है फॉर्मूला बार में जाके वहाँ पे एंटर करके नया टेक्स्ट और प्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद जो है सेल में टेक्स्ट अपने आप एडिट हो जाएगा। एक अल्टरनेट मेथड वो भी है एडिट सेल बाय डबल क्लिकिंग इन द सेल। आप डबल क्लिक करके सेल में उस सेल के डाटा को एडिट कर सकते हो। यू कैन चेंज जोकर टू जॉनसन एज फॉलो। मूव टू सेल A1। आप सेल A1 में जाइए, डबल क्लिक इन द सेल A1। सेल A1 में हमें डबल क्लिक करना है। यूज द एरो एंड बैकस्पेस कीज टू चेंज जोकर टू जॉनसन। एरो और बैकस्पेस कीज की हेल्प से हम जो है जोकर वर्ड को जॉनसन में चेंज कर सकते हैं। देन प्रेस एंटर, इससे हमारी सेल जो है एडिट हो जाएगी। सेल में टेक्स्ट जो हमारा आसानी से एडिट हो जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे जोकर लिखा हुआ है, तो हम सेल A1 में डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक से ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसे बैक स्पेस की से या एरो की से जो है हम इसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ जो है जोकर की जगह में जॉनसन लिखती हूँ और इस तरह से एंटर कर देंगे, तो ये जो है जोकर से जॉनसन में आसानी से डबल क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं। सेल में एंट्री करके भी हम जो है टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। चेंज इन सेल एंट्री, टाइपिंग इन ए सेल रिप्लेस द ओल्ड सेल एंट्री विद द न्यू इन्फॉर्मेशन यू टाइप। मूव द कर्सर टू सेल A1, इसके लिए हमें जो है सेल A1 में कर्सर लेके जाना है। टाइप कैथी, हम जो है कैथी टाइप करेंगे, प्रेस एंटर, एंटर प्रेस कर देंगे। द नेम कैथी रिप्लेस जॉनसन, तो जो है जॉनसन नेम जो है रिप्लेस हो जाएगा कैथी से। या फिर हम जो है इसकी जगह यहाँ पे कर्सर रख के और हम कैथी टाइप कर दें, HY देन एंटर, तो ये देखिए कैथी जो है जॉनसन से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से जो है सेल में टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा लंबा है और एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है और आप नहीं चाहते कि वो उस सेल को ओवरलैप करें, तो इसके लिए आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। इस ऑप्शन से जो है वो आपका कितना भी लंबा टेक्स्ट हो एक सेल में फिट हो जाएगा। इसके लिए आपको ये स्टेप्स जो है फॉलो करनी है। सबसे पहले मूव द कर्सर टू द सेल A2। A2 में कर्सर को ले जाइए, टाइप टेक्स्ट टू लॉन्ग टू फिट। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैं ये टाइप कर रही हूँ टेक्स्ट टू लॉन्ग टू फिट, देन प्रेस एंटर। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद जो है आपको सेल A2 पे रिटर्न करना है। आपका जो होम टैब पे रैप टेक्स्ट का बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। आपको उस रैप टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, देन एक्सेल रैप द टेक्स्ट इन द सेल और उस सेल में वो टेक्स्ट जो है फिट हो जाएगा। अब देखिए हम करके देखते हैं कि हम रैप टेक्स्ट बटन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं टाइप कर रही हूँ टेक्स्ट टू लॉन्ग टू फिट। ये देखिए दो सेल में जा रहा है, मैं नहीं चाहती कि ये दूसरी सेल को ओवरलैप करे, एक सेल को से दूसरी सेल में जाए, ये एक सेल में फिट होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एंटर प्रेस करना है, उसके बाद वापस से आपको इसी सेल में जो है कर्सर लेके जाना है और उसके बाद जो है आपका रैप टेक्स्ट ऑप्शन जो है हाईलाइट हो जाएगा। ये होम टैब में होता है, रैप टेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं देन एंटर करेंगे तो जो ये देखिए एक सेल में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। फिर आप कितना भी लंबा टेक्स्ट लिखते हैं तो एक सेल में पूरा फिट आ जाता है टेक्स्ट टू लॉन्ग टू फिट। इसकी जगह आप कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो कितना भी बड़ा जो है टेक्स्ट हो उसको एक सेल में फिट करने के लिए हम टेक्स्ट रैप बटन की हेल्प ले सकते हैं। टेक्स्ट रैप बटन की जो है यूज से हम आसानी से जो है सेल में टेक्स्ट को फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम सेल एंट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं। टू डिलीट एन एंट्री इन ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल, यू प्लेस द कर्सर इन द सेल और सेलेक्टेड द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड प्रेस डिलीट।
तो उसके लिए आपको जैसे मान लो सेलेक्ट सेल ए वन और ए टू या ग्रुप ऑफ सेल को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिलीट की को प्रेस करना है, तो जो भी आपको सेल में एंट्री डिलीट करनी है वो आसानी से डिलीट की हेल्प से आप डिलीट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम सेल एंट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं। जैसे हम सेल में कुछ एंटर करते हैं, मैंने जैसे दो सेल में एंट्री की है, तो अब हम इन दोनों को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इनको दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है डिलीट की को प्रेस कर लेंगे। जैसे हम डिलीट की को प्रेस करते हैं तो ये देखिए दोनों सेल में एंट्री जो है डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से चाहे ग्रुप ऑफ सेल की एंट्री को आपको डिलीट करना हो या एक सेल की एंट्री को डिलीट करना हो, तो सबसे पहले उसे आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है डिलीट की प्रेस करके आप आसानी से उस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। सेव फाइल, अगर आप एक्सेल की फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, तो सबसे पहले उसके लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना है। ऑफिस बटन में एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें क्लिक सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, जैसे आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। गो टू द डायरेक्टरी इन विच यू वांट टू सेव योर फाइल, आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना है, लोकेशन बतानी है। टाइप सीसी इन द फाइल नेम फील्ड, आप जो है सीसी के नाम से या किसी और नाम से भी सेव कर सकते हो। क्लिक सेव, सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक्सेल सेव्स योर फाइल, आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम एक्सेल की फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं। वही सेम मेथड है जैसे वर्ड की फाइल में को सेव करते थे। हम ऑफिस के बटन पे जाना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम जो है अपनी एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं राज नाम से सेव करती हूँ, raj.1, और लोकेशन देनी है डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप पे, कहाँ पे सेव कर रही हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए raj.1 नाम से फाइल मेरी सेव हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन है कि आप अपनी एक्सेल की फाइल को, एक्सेल की विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो आप कैसे क्लोज कर सकते हो। टू क्लोज एक्सेल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, क्लिक द ऑफिस बटन। सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। मेन्यू अपीयर्स, एक मेन्यू अपीयर्स होगा, क्लिक क्लोज, आपको क्लोज के बटन पे क्लिक करना है। देन एक्सेल क्लोज, जो आपकी एक्सेल की विंडो जो है क्लोज हो जाएगी। इसी तरह ही जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है कि हम जो एक्सेल की विंडो को क्लोज कैसे कर सकते हैं, तो क्लोज के लिए ऑफिस के बटन पे ही जाना है आपको, और ऑफिस के बटन पे जाके आपको क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी एक्सेल की विंडो जो है क्लोज हो जाएगी, एक्सेल की फाइल आपकी क्लोज हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से हम जो है सेल में क्विकली मूव कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव कर सकते हैं, डाटा एंट्री कैसे की जाती है सेल्स में, या एक्सेल की फाइल को सेव कैसे किया जाता है, उसे क्लोज कैसे किया जाता है, डाटा एंट्री को डिलीट कैसे किया जाता है। होप सो आपको सारे ऑप्शंस जो है क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।